नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य। द्रविड़ एवं केरल की मिश्रित शैली में निर्मित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के एक तरफ खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस भव्य मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जिसकी ऊंचाई 7 मंजिला है। गोपुरम को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जो इस मंदिर की खूबसूरती की ओर बड़ा ध्यान देता है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु अपनी सवारी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहां आते हैं। इस मंदिर के गलियारे में अनेक खंभे भी बने हुए हैं, जिन पर अद्भुत नक्काशी की गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देती है। मंदिर के पास में पद्म तीर्थ कुलम नामक एक सरोवर भी है। मंदिर में पुरुष केवल धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकती है। लगभग 260 साल पुराने इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश अनिवार्य है। हर साल मंदिर में केवल 2 महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से 1 मार्च 1 अप्रैल माह में और दूसरा अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में मनाया जाता है। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ है। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा था। टीपू से पहले भी इस मंदिर पर हमले और कब्जे की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो पाई। आज़ादी के बाद से इस मंदिर का प्रबंधन राज परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा था, किंतु वर्तमान समय में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दी है। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पुरातत्व विभाग व मंदिर ट्रस्टी को शामिल करते हुए मंदिर के दरवाजों को खोलने के लिए 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। कागजी कार्रवाई में आसानी के लिए सभी तहखानों को A, B, C, D, E, और F का नाम दिया गया। लोहे के दरवाजों के बाद एक और भारी लकड़ी का दरवाजा खोलते हुए जमीन के अंदर 20 फुट की खुदाई कर बाकी तहखाने को खोला गया, लेकिन बी चैम्बर नहीं खुला। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि यह संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंदिर के खोले गए गुप्त तहखानों से करीब 32,000 करोड़ के सोने, चांदी और हीरे जैसे कीमती रत्नों के आभूषण, हाथी की मूर्तियां और बंदूकें निकली हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यहां 28 किलोग्राम का एक बैग भी मिला था, जिसमें 7 अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के थे, जिसमें नेपोलियन और इटालियन के समय के भी सिक्के मौजूद थे।